हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इसी वीडियो में प्रेशर गेज कैसे कैलिब्रेट करते हैं मैं आपको सिखाने वाला हूं। चलिए फर्स्ट मैं आपको बता देता हूं प्रेशर गेज कैलिब्रेट करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट हमें एक प्रेशर कंपैरेटर यानी कि प्रेशर पंप चाहिए और दो प्रेशर गेज चाहिए, एक जो एनेबल स्टैंडर्ड होता है और दूसरा जिस पार्टी का करवाना है यानी कि यूसी यूनिट अंडर कैलिब्रेशन। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, ये जो प्रेशर गेज आप देख रहे हो ये एक स्टैंडर्ड है जो कि एनेबल सर्टिफाइड है। चलिए मैं आपको दूसरा दिखा देता हूँ जिस प्रेशर गेज को टेस्ट करना है। ये जो आप देख रहे हो ये यूसी है जो कि यूनिट अंडर कैलिब्रेशन, ये प्रेशर गेज को हम टेस्ट करना है। टेस्ट करके मैं आपको बताऊँगा इसमें रीडिंग सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये प्रेशर गेज को मैं ये हमारा स्टैंडर्ड वाला प्रेशर गेज के साथ मैं कंपेयर करके मैं आपको दिखाऊँगा। ये जो भी रीडिंग मैं आपको दिखाऊंगा वो सारा बार के यूनिट में मैं आपको दिखाऊंगा। और ये जो आप देख रहे हो ये एक प्रेशर पंप है, मैं इसी प्रेशर पंप से प्रेशर जनरेट करूंगा और दो प्रेशर गेज में प्रेशर दिखाएगा कितना प्रेशर जनरेट हो रहा है। ये जो है ये हमारा स्टैंडर्ड वाला है, मैं इससे वो वाला प्रेशर गेज को कंपेयर करूँगा इसमें कितना आ रहा है। फर्स्ट मैं आपको जीरो कर देता हूँ। चलिए अब ये जीरो हो गया, इसमें भी मैं देखता हूँ ये जीरो है कि नहीं है, ये भी जीरो है। चलिए मैं धीरे धीरे प्रेशर इंक्रीज करता हूँ। चलिए मैं प्रेशर पंप से प्रेशर अप्लाई करता हूँ और मैं जो ये धीरे धीरे प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ, देखिए इसमें धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है प्रेशर। मैं इससे वो वाला से कंपेयर करूँगा उसमें कितना दिखा रहा है, इसमें 5.6 दिखा रहा है। और ये जो हैंडल को आप क्लॉकवाइज घुमाओगे तो प्रेशर धीरे धीरे फोर्सली जनरेट होता है, देखिए कितना तेज़ी से इनक्रीज कर रहा है। और मैं इससे कंपेयर कर देता हूँ, ये ऑफ हो गया, मैं इसको ऑन कर देता हूँ। देखिए अब इसमें 20 बार दिखा रहा है और इसमें 18.6 यानी कि उसमें ज़्यादा दिखा रहा है। चलिए मैं दोबारा इसको इंक्रीज करके दिखा देता हूँ, इसमें कितना देखिए 45.2, इसमें 45 दिखा रहा है, इस बार इसमें कम दिखा रहा है। इस तरह इसका जो प्रेशर गेज का चेक करते हैं और कैलिब्रेशन करते हैं। देखिए इसमें कैसे इंक्रीज हो रहा है, अभी ये डिक्रीज हो रहा है। मैं इसको धीरे धीरे उल्टा एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ तो ये धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है। ये जो पंप था ये वाटर वाला था, मैं और जो दिखाऊंगा इसके बाद जो दिखाऊंगा वो एयर वाला दिखाऊंगा, उसके बाद हाइड्रोलिक वाला भी मैं आपको दिखाऊंगा। अब देखिए कितना तेज़ी से मैं जो घुमा रहा हूँ क्लॉकवाइज ये कितना तेज़ी से इंक्रीज हो रहा है, अभी मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ तो ये डिक्रीज हो रहा है। इसी तरह इसका चेक करते हैं। चलिए मैं दूसरा पंप भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए जब मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ तो ये कैसे धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है। मैं इसको प्रेशर रिलीज कर देता हूँ। चलिए मैं इसको जीरो कर देता हूँ। जीरो करने के बाद मैं आपको एयर वाला दिखाऊंगा, एयर वाला पंप। अभी इसमें 4 बार दिखा रहा है। और ये जो पंप अभी देख रहे हो ये एक न्यूमेटिक यानी कि ये एयर वाला है। और ये जो पंप आप देख रहे हो इसका मैक्सिमम रेंज ये 30 बार का है और जो आप फास्ट जो देख रहे थे उसका रेंज 700 बार हो, यानी कि 700 बार तक प्रेशर डेवलप कर पाएगा, उसका रेंज हाइस्ट रेंज 700 बार का था और ये जो पंप का मैक्सिमम रेंज है 30 बार। और ये जो प्रेशर गेज आप देख रहे हो ये जो ब्लू कलर का ये हमारा स्टैंडर्ड है,
वो वाला प्रेशर गेज को इसी प्रेशर गेज से कंपेयर करेंगे उसमें कितना आ रहा है। चलिए मैं धीरे धीरे इंक्रीज करता हूँ, जैसे मैं इंक्रीज करूँगा उसका धीरे धीरे प्रेशर वो इंक्रीज करता जाएगा, और जैसे मैं इसको डिक्रीज करूँगा एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊँगा तो इसका प्रेशर धीरे धीरे डिक्रीज करता जाएगा। इस तरह इसका कैलिब्रेशन करते हैं। वो जो साइड में जो देख रहे हो वो जो ब्लू कलर का, ये जो राइट साइड में ये हमारा हाइड्रोलिक प्रेशर पंप है जो कि 1000 bar तक प्रेशर डेवलप करता है। देखिए मैं जैसे जैसे इसको इंक्रीज कर रहा हूँ, क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ तो ये प्रेशर धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। इसी तरह प्रेशर गेज की कैलिब्रेशन करते हैं, और कैसे प्रेशर ट्रांसमीटर कैलिब्रेशन करते हैं और भी बहुत सारे इलेक्ट्रिकल वीडियो मैं मेरा चैनल में अपलोड कर रखा हूँ। वो सब देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मेरा प्रोफाइल पे जाके वो सब विजिट करें और मेरा चैनल विजिट करके वो सारे वीडियो देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।